नमस्कार दोस्तों। दोस्तों राशन कार्ड को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा एक सख्त कदम उठाया गया, एक नया अपडेट यहां पर लाया गया, जिसमें ये बताया गया है कि वे सभी लोग जो कि राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, यानी कि जिनको राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, तो उन सभी के राशन कार्ड यहाँ पर बंद होने वाले हैं। सभी के राशन कार्ड यहाँ पर बंद किए जाएंगे या फिर भी अपने राशन कार्ड को सरेंडर भी करा सकते हैं। तो आगे मैं आपको वीडियो में सारी चीजें क्लियर करूंगा कि किनको यहाँ पर अपना राशन कार्ड सरेंडर कराना है या फिर किनके राशन कार्ड यहाँ पर बंद हो जाएंगे, क्या इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या कम से कम यहाँ पर पात्रताएं हैं और राशन कार्ड के लिए आप उसके दायरे में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। आज का इस वीडियो को देखकर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किन किन के राशन कार्ड बंद होने वाले हैं, सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं लेकिन उनको इसकी जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी वो राशन कार्ड राशन उठाते हैं राशन कार्ड से और इसके जो भी सेवाएं होती है उन सभी का लाभ लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड महामारी के समय यहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया था कि अब राशन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए जाएंगे, तो जिसके बाद काफी सारे ऐसे लोगों ने अपने राशन कार्ड बनवा ली, इनको इसकी जरूरत नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पर राशन कार्ड की संख्याओं में और राशन कार्डधारी में यहाँ पर इजाफा हुआ। काफी सारे लोगों के राशन कार्ड बने हुए जिनके कारण वे सभी लोग जो कि वाकई में इसके लिए पात्र हैं, जो कि इसके दायरे में आते हैं, बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, जिनको राशन कार्ड की सख्त आवश्यकता है, वे अपना राशन कार्ड से राशन नहीं उठा पा रहे हैं या फिर उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों ने अपना राशन कार्ड बनवा रखा है जिनकी इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को छांटने के लिए सरकार के द्वारा सख्त कदम उठाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि वे सभी लोग जो कि इसके लिए पात्र नहीं है उनको जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड या तो सरेंडर करवा देना है या फिर सरकार के द्वारा उसकी वसूली यहाँ पर की जाएगी। वसूली किस तरह से की जाएगी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब भी आपका राशन कार्ड बना हुआ था, यानी कि जिस भी डेट में अपना राशन कार्ड आपने बनाया हुआ था और जब से आप यहाँ पर राशन कार्ड के माध्यम से राशन उठा रहे हैं, उस डेट से लेकर अभी तक 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपसे वसूली की जाएगी, यानी कि जितना भी राशन आपने उठाया है उसका यहाँ पर 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपसे वसूली की जाएगी, जो कि यहाँ पर बहुत ही तगड़ी पेनाल्टी है। उसके अलावा ये एक जुर्म है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जेल भी हो सकती है, काफी ज्यादा पेनाल्टीज लग सकती है। इस पेनाल्टी से बचने के लिए यहाँ पर सरकार ने आपको एक मौका दिया हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि 2022 तक, यानी कि पूरा साल यहाँ पर पड़ा हुआ है, 2022 में अगर अपना राशन कार्ड आप सरेंडर कर देते हैं तो आप इस पेनाल्टी से बच सकते हैं, आपको किसी भी तरह की पेनाल्टी नहीं लगेगी। तो जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड आप सरेंडर करा दें। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि क्या यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई है, कौन कौन इसके लिए पात्र नहीं है। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो आप तुरंत अपने तहसील ब्लॉक या फिर जो भी आपका कार्यालय सर्कल लगता है वहां पर जाकर अपना राशन कार्ड आप वहां पर सबमिट करें और एक एप्लीकेशन वहां पर सबमिट करें, जिसके बाद आपको वहां से एक रसीद मिल जाएगी जो कि ये प्रूफ होगा कि आपने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया और यहां पर आपको किसी भी तरह की पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर पात्रता है, क्या क्या यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पर राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है और जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं तो उनको अपना राशन कार्ड सरेंडर करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए से अधिक है, चाहे वह शहर में निवास करता हो चाहे वह गांव में निवास करता हो, अगर उसकी सालाना आय 3 लाख रुपए या फिर उससे अधिक है तो वे राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, वे राशन कार्ड की सेवा का लाभ नहीं ले सकते हैं, तो उनको अपना राशन कार्ड जल्द से जल्द सरेंडर कराना होगा। उसके अलावा सेकेंड यहाँ पर हम बात कर लें जो कि आयकर दाता है, फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कि इनकम टैक्स फाइल करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, आयकर दाता है, तो वे लोग भी यहाँ पर राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, उनको भी अपना राशन कार्ड जल्द से जल्द सरेंडर करवा देना। उसके अलावा दोस्तों ऐसे लोग जिनके पास यहाँ पर 100 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन है, मकान है या फिर प्लॉट है, तो ऐसे लोग भी यहाँ पर राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, उनको भी अपना राशन कार्ड जल्द से जल्द सरेंडर करा देना है। उसके अलावा चौथा यहाँ पर हम बात कर ले ऐसे लोग जिनके पास किसी भी तरह का शस्त्र लाइसेंस है, किसी भी तरह का गन लाइसेंस है, किसी भी तरह का हथियार का लाइसेंस है, तो वे सभी लोग भी यहाँ पर राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होते हैं, इसके दायरे में नहीं आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर राशन कार्ड जल्द से जल्द सरेंडर करा देना। उसके अलावा पांचवे पॉइंट पर हम बात कर लें जिनके पास 4 व्हीलर है, यानी कि 4 पहिया वाहन है, चाहे वह किसी भी तरह का वाहन हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, किसी भी तरह का 4 पहिया वाहन है अगर आपके पास है तो आप राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है और आपको भी अपना राशन कार्ड जल्द से जल्द सरेंडर करवा देना। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में एसी लगी हुई है, आपके घर में 5 किलोवाट से ज्यादा का इन्वर्टर है, तो आप भी यहाँ पर राशन कार्ड के लिए लाभार्थी नहीं है, यानी कि आप राशन कार्ड का जो लाभ है वो यहाँ पर नहीं उठा सकते हैं, तो आपको भी अपना राशन कार्ड जल्द से जल्द सरेंडर करा देना है।
अदरवाइज मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि आपको यहाँ पर हैवी पेनाल्टी लग सकती है। उसके अलावा दोस्तों और भी बातें हैं, जैसे कि आपके फैमिली में अगर किसी की सरकारी नौकरी है, चाहे वो कोई भी हो, चपरासी हो, प्यून हो, कुछ भी हो, अगर उसके पास सरकारी नौकरी है और वो राशन कार्ड का लाभ ले रहा है, सरकार से राशन उठा रहा है, तो यहाँ पर उसको भी अपना राशन कार्ड जल्द से जल्द सरेंडर करा देना है, क्योंकि यहाँ पर उनको पेनाल्टी तो लगा ही जाएगी, हो सकता है उनको जेल हो जाए, साथ ही साथ उनकी जो सरकारी नौकरी है वो भी यहाँ पर जाने का खतरा बना हुआ है। तो अगर आपकी भी सरकारी नौकरी है और आप राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, राशन उठा रहे हैं, तो आपको भी जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर करवाने की आवश्यकता है। और दोस्तों इसको लेकर यहाँ पर सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों में, सभी डिस्ट्रिक्ट में ये अनाउंसमेंट भी लगातार कराया जा रहा है कि वे सभी लोग, जिस जैसे कि मैंने जो पात्रताएं बताई, उन सभी पात्रताओं में अगर वो नहीं आते हैं तो उन सभी को अपना राशन कार्ड सरेंडर करा देना है। तो यहाँ पर यह आखिरी मौका है आपको, आखिरी यहाँ पर सरकार के द्वारा आपको टाइम दिया गया है 2022 में, काफी लंबा यहाँ पर टाइम दिया गया है, काफी ज्यादा आपके पास समय है, जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड आप सरेंडर कर दें, जिससे आप इस भारी पेनाल्टी से बच सकें। दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से ये जो कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, ये जो गाइडलाइंस जारी की है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको राशन कार्ड की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी सरकारी योजना निकलती है, कोई भी योजना निकलती है जहाँ पर राशन कार्ड धारियों को उसका लाभ दिया जाना है, गरीबों को उसका लाभ दिया जाना है, बीपीएल कैटेगरी में जो आते हैं उनको इसका लाभ दिया जाना है, तो यहाँ पर वो लाभ उन लोगों तक पहुंचे इससे पहले यहाँ पर ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर सालाना 10 लाख, 20 लाख या फिर इससे भी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं और यहाँ पर उनको इस चीज की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति, ऐसे लोगों के कारण उन लोगों का हक मारा जा रहा है जिनको वाकई में इसकी आवश्यकता है, वाकई में इसकी जरूरत है, जो कि इसके लिए वाकई में यहाँ पर पात्र है, तो वे सभी लोग इसका लाभ, किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है कि यहाँ पर ये जो कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, तो यहाँ पर वे सभी लोग छट जाएंगे। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में गलतफहमी भरी हुई है कि ये सरकार कैसे पता चलेगा कि आप उसके लिए पात्र है या फिर नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि आधार कार्ड हर जगह लिंक है, चाहे यहाँ पर हम बैंक की बात कर ले, बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है, आपके पैन कार्ड में आपका आधार कार्ड लिंक है, आपकी समग्र आईडी, राशन कार्ड, हर जगह आपका आधार कार्ड लिंक किया गया है। वो इसलिए किया गया है जिससे सरकार को आपकी सभी जानकारी आसानी से पता चल सके और उसको ये पता चल सके कि यहाँ पर आप राशन कार्ड के लिए पात्र है नहीं, तो ये चीज उनको आसानी से पता चल जाएगा। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि आप अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं कराएंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2022 में अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करवाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको पेनाल्टी लगाई जाएगी, जो कि काफी भारी पेनाल्टी हो जाएगी, काफी ज्यादा यहाँ पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरह का जुर्म है, आप किसी गरीब का हक मार रहे हैं और गरीब का हक मार के आप यहाँ पर बिना मतलब जानबूझकर राशन उठा रहे हैं, किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो एक तरह का ये जुर्म है, तो यहाँ पर आपको सजा भी हो सकती है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी तो आपकी नौकरी हो सकती है। तो दोस्तों इन सभी चीजों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड आप सरेंडर कराएं, अपने तहसील ऑफिस में जाएं, अपने ब्लॉक ऑफिस में जाएं या फिर जो भी आपका कार्यालय सर्कल लगता है आपके एरिया में, वहां पर जाकर अपना राशन कार्ड आप सरेंडर करें। एक एप्लीकेशन आपको वहां पर सबमिट करना होगा जिसके बाद आपको रसीद मिल जाएगी और उसके बाद आपका जो राशन कार्ड है सरेंडर हो जाएगा, जिसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी जुर्माना, कोई भी पेनाल्टी यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। तो ये आखिरी मौका यहाँ पर आपको सरकार के द्वारा दिया गया है। वैसे तो ये काफी टाइम से बोला जा रहा है कि आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करवा लेना है, बट यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे इसको कंटिन्यू इग्नोर करते जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार राशन उठा रहे हैं सरकार से। तो यहाँ पर अब ये मैं आपको बता दूं कि आप सतर्क हो जाएं, आपके पास ये आखिरी मौका है, जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड आप सरेंडर कराएं और भारी पेनाल्टी से आप बचें। उसके अलावा दोस्तों मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है तो आपके लिए अच्छा यही कि आप राशन कार्ड सरेंडर करा दें। आपने जो अभी तक गलती की है यहाँ पर अपना राशन कार्ड आप जल्द से जल्द सरेंडर करा दें। इसमें ये जो योजनाएं निकलती है, जो लाभ है, ये जो राशन का लाभ है, ये उन लोगों तक पहुंच सके जो वाकई में जिनको इसकी जरूरत है, जो इसके लिए वाकई में लाभार्थी हैं, तो इन सभी तो लोगों तक ये जो लाभ है उनको मिल सके। और अगर आप जो पात्रता यहाँ पर बताई जा रही है उस पात्रताओं के अंदर आते हैं, आप बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आगे भी राशन कार्ड से लाभ ले सकते हैं, राशन उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो योजना है ये आप ही के लिए बनी हुई है, ये केवल उन लोगों के लिए जो चेतावनी है जारी की गई है जो कि इसके लिए पात्र नहीं है, तो उन्हीं को यहाँ पर पेनाल्टी लगाई जाएगी, उन्हीं के लिए यहाँ जो कानून है वो बनाया गया है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत रहें, आपके लिए यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी है, केवल उन्हीं के लिए है जो कि इसके लिए पात्र नहीं है। उसके अलावा दोस्तों आगे किसी भी तरह का इसको लेकर कोई अपडेट आता है तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें,
जिससे कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आई होप आपको ये जो जानकारी है जो अपडेट है काफी अच्छा लगा होगा और सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया ये काफी आपको पसंद आया होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।